कल मुख्तार अंसारी को किया जाएगा सुपुर्द खाक। देर रात गाजीपुर पहुंचेगा शव। पूरे इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई। मुख्तार के बिस्रा को फॉरेंसिक लैब भेजा जाएगा। मुख्तार अंसारी की मौत की होगी न्यायिक जांच। बांदा की सीजीएम गरिमा सिंह देंगी रिपोर्ट। मुख्तार और बेटी उमर की बातचीत का ऑडियो आया सामने। मुख्तार ने कहा था बॉडी काम नहीं कर रही, बैठ तक नहीं पा रहा। भाई सिगबतुल्ला अंसारी ने कहा मुख्तार ने अपने खिलाफ साजिश का अंदेशा जताया था, मामले की नहीं हुई थी जांच। मुख्तार की मौत पर यूपी में जबरदस्त हुई सियासत। अखिलेश यादव बोले हर किसी की सुरक्षा करना सरकार का कर्तव्य। मुख्तार के परिवार के आरोपों की हो हाई लेवल जांच। मायावती की सरकार से मांग। कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने यूपी की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। का जेल में भी अपराधी सुरक्षित नहीं। असदुद्दीन ओवैसी का योगी सरकार पर अटैक। कहा यूपी में कानून का नहीं बंदूक का शासन चल रहा। सवाल उठाने वालों को बीजेपी का जवाब। सिद्धार्थनाथ बोले सपा बसपा ने हमेशा मुख्तार को संरक्षण दिया। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी की विपक्ष को नसीहत। मौत पर ना करे राजनीति, कानून अपना काम कर रहा। रिटायर्ड डीएसपी शैलेंद्र सिंह का खुलासा। 2004 में कृष्णानंद की हत्या के लिए मुख्तार ने खरीदी थी एलएमजी। 1 करोड़ रुपए में हुआ था सौदा। शैलेंद्र सिंह के नेतृत्व में एसटीएफ ने बरामद की थी एलएमजी। तत्कालीन सीएम मुलायम सिंह ने पोटा हटाने का बनाया था दबाव। बिहार में महागठबंधन ने किया सीट बंटवारे का ऐलान। 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आरजेडी। बिहार में कांग्रेस 9 और लेफ्ट 5 लोकसभा सीट पर लड़ेगी चुनाव। पूर्णिया से कटा पप्पू यादव का टिकट। पप्पू यादव पर सवाल यादव पूछने पर बोले तेजस्वी यादव हमारा गठबंधन व्यक्ति से नहीं पार्टी से हुआ था। पप्पू यादव ने पूर्णिया से चुनाव लड़ने का दिया इशारा। कहा कांग्रेस का झंडा बुलंद करूंगा। पप्पू यादव को पूर्णिया से टिकट ना मिलने पर केसी त्यागी का तंज। कांग्रेस में जोर शोर से हो गए थे, अब क्या होगा। 5 अप्रैल को घोषणा पत्र जारी कर सकती कांग्रेस। मैनिफेस्टो पर उत्तर दक्षिण में रैली भी करेगी कांग्रेस। महाराष्ट्र के सतारा में शरद पवार ने पार्टी वर्कर्स को किया संबोधित। कहा इस बार अलग तरीके से लड़ना होगा चुनाव। सतारा सीट से सांसद श्रीनिवास पाटिल ने चुनाव लड़ने से किया इंकार। शरद पवार बोले अगले 2 दिन में होगा नए उम्मीदवार का ऐलान। कांग्रेस नेता संजय निरुपम को शिंदे शिवसेना का ऑफर। संजय शिरसाट बोले अगर वो आना चाहते तो उनका स्वागत है। कांग्रेस के फ्रेंडली फाइट वाले बयान पर भड़के संजय राउत। कहा महाराष्ट्र समेत पूरे देश में फ्रेंडली फाइट के लिए तैयार हैं। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान का बयान। महाराष्ट्र की 3 सीट पर अभी भी विवाद। महाविकास अघाड़ी में चल रही है चर्चा। 31 मार्च को रामलीला मैदान में होने वाली रैली को परमिशन मिली। मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल अखिलेश सहित उद्धव ठाकरे होंगे शामिल। लोकसभा चुनाव प्रचार में जुटे सीएम योगी आदित्यनाथ। अमरोहा में कहा पीएम मोदी के लिए देश पहले, सपा बसपा के लिए परिवार। दिल्ली में नवनीत राणा ने गृहमंत्री अमित शाह से की मुलाकात। कामरावती में कमल जरूर खिलेगा। देवेंद्र फडणवीस से मिली कांग्रेस नेता। शिवराज पाटिल की बहू अर्चना पाटिल कल बीजेपी में हो सकती हैं शामिल। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को फिर झटका। छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा से विधायक कमलेश शाह बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी ने झारखंड और राजस्थान विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की। टीडीपी नेता जेसी प्रभाकर रेड्डी को टिकट नहीं मिलने से समर्थक नाराज। अनंतपुरम पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ की। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने पटना में किया रोड शो। इंडिया अलायंस पर जमकर निशाना साधा। हिमाचल की मंडी में बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत का रोड शो। लोगों ने की फूलों की बारिश। मंडी से चुनाव लड़ना मेरे लिए सौभाग्य की बात, जन्मभूमि की सेवा करने का मौका मिलेगा। कंगना रनौत का बयान मंडी से चुनाव लड़ना मेरे लिए सौभाग्य है। कंगना रनौत से हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह का सवाल। आपदा के वक्त कहां थी, लोगों से क्यों नहीं मिली। बशीरहाट में पदयात्रा में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी। बीजेपी कैंडिडेट रेखा पात्रा के समर्थन में मांगे वोट। बीजेपी उम्मीदवार रेखा पात्रा ने एनसीडब्ल्यू में की शिकायत। टीएमसी नेता पर निजता हनन का आरोप लगाया। अरुणाचल में नामांकन पत्रों की जांच के दौरान पथराव। एसपी हुए घायल। कांग्रेस को आईटी ने 1700 करोड़ का नोटिस भेजा। जयमाकन बोले बीजेपी ने भी जानकारियां छिपाई। 4600 करोड़ वसूले इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के नोटिस को लेकर भड़की कांग्रेस। कल देश भर में प्रोटेस्ट करेगी। कांग्रेस के बाद सीपीआई को इनकम टैक्स का नोटिस। 11 करोड़ बकाया भुगतान करने के लिए कहा गया। कांग्रेस को आईटी नोटिस मिलने पर बोले सांसद अरविंद सावंत विरोधियों को खत्म करने के लिए सही गलत सब कर रही है बीजेपी। पत्नी सुनीता ने केजरीवाल को आशीर्वाद कैंपेन लॉन्च किया। लोगों से समर्थन करने की अपील की। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का आप पर अटैक। राबड़ी देवी की तरह दिल्ली के सीएम बनने की तैयारी में जुटी हैं सुनीता केजरीवाल। आपके कैंपेन पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का सवाल। केजरीवाल के समर्थन में सिर्फ पत्नी, दिल्ली वाले क्यों नहीं आ रहे। केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए नई याचिका दायर। पहले भी हाईकोर्ट ऐसी याचिका कर चुका है खारिज। सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार केस में सीबीआई जांच को मंजूरी। सत्येंद्र जैन पर 10 करोड़ उगाही का आरोप है। गुजरात के पोरबंदर में मनसुख मंडाविया ने खेला क्रिकेट। पिच पर जमकर उड़ाए चौके छक्के। बिहार के मोतिहारी में सिरफिरे ने पत्नी समेत 3 बच्चियों की धारदार हथियार से की हत्या। कश्मीर के सोनमर्ग में भीषण एवलांच। हिमस्खलन की चपेट में आई कई गाड़ियां।